ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। चकराता छावनी में रिक्त उपाध्यक्ष पद का मुद्दा गर्मा गया है। चकराता छावनी में रिक्त पड़े पद को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है और उपाध्यक्ष पद पर शीघ्र चुनाव कराने की मांग को लेकर लोगों में काफी हलचल दिखाई दे रही है। इस संदर्भ में भाजपा के सभासद आनंद राणा व मोनिका अग्रवाल ने छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी से मुलाकात कर उपाध्यक्ष पद पर शीघ्र चुनाव कराने की मांग की है। मोनिका अग्रवाल ने बताया कि सभी छावनियों का 6 माह पूर्व ही कार्यकाल समाप्त हो गया था, जिसके बाद पूर्व के उपाध्यक्ष के 6 माह का सीमा विस्तार भी किया जा चुका है। बावजूद भी अब तक चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं देखी जा रही है। साथ ही इन जन प्रतिनिधियों ने चकराता छावनी में हो रहे लोगों की जन जन समस्याओं को भी छावनी के सीईओ के समक्ष रखा, जबकि मोनिका अग्रवाल ने बताया कि कैंट में उपाध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, लेकिन छावनी में कूड़ा निस्तारण समय से नहीं किया जा रहा है। आलम यह है कि चकराता छावनी क्षेत्र में जगह जगह कूड़े का अंबार दिखाई दे रहा है, जिससे कि यहाँ बीमारी फैलने की अधिक आशंका बनी हुई है। इसके बचाव व संक्रमण के खतरे को देखते हुए छावनी क्षेत्रों में शीघ्र ही कीटनाशक दवा का छिड़काव कराया जाए, जिससे कि यहाँ के लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। कुछ समस्याओं को लेके सीईओ से मिलने गए थे, जिसमें एक सफाई हमारा प्रमुख मुद्दा था। इसके अलावा जो कोविड-19 की महामारी चल रही है, इसके संबंध में भी हमने वार्ता की उनसे और सैनिटाइजेशन वगैरह की व्यवस्था करने को कहा। इसके अलावा जो एक और प्रमुख मुद्दा था वो था हमारे छावनी परिषद के उपाध्यक्ष का चुनाव। चूंकि फरवरी माह में जो है बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो चुका है और उसमें एक्सटेंशन मिला था सभी सदस्यों को, तो उसमें जो है उपाध्यक्ष का चुनाव पुनः कराना पड़ता है। तो हमने अपने सीईओ से यही मांग रखी कि उपाध्यक्ष का चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए, ताकि बोर्ड अपना कार्य जो है सही तरीके से कर सके। श्रमिक मंत्र के लिए चकराता से राहुल चौहान की रिपोर्ट।